वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन दोस्तों, मैं हूं अभिजीत कुमार। मैं बात करने जा रहा हूं आरआरबी एएलपी पेपर 2 के बारे में, और इसमें चल रहा है आप लोगों का ट्रेड फिजिक्स एंड मैथ्स। ओके, फिजिक्स एंड मैथ्स में आप लोगों को फिजिक्स भी पढ़ना है और मैथ्स भी पढ़ना है। मैंने दोनों का अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में देखो आपको मिल जाएगा। फिजिक्स का अलग प्लेलिस्ट, मैथ्स का अलग प्लेलिस्ट। मैथ्स में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में, इसका ये लेक्चर नंबर 3 है। आप लोग क्या करो, डिस्क्रिप्शन को हमेशा फॉलो करते रहो, जो भी लिंक मिलेगा देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, फेसबुक ग्रुप पे क्वेश्चन पूछा करो और आपस में डिस्कशन किया करो, ठीक है। फिजिक्स का लेक्चर के बारे में आप लोग मत सोचो, मैंने आपको सेट्स एंड फंक्शन जो बताया था चैप्टर नंबर 1 उसके लेक्चर नंबर 13 में क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था कि जो सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनका फिजिक्स काफी ज्यादा अच्छा है और वो जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा टाइम प्रॉब्लम होता है। वो मेरे रिक्वेस्ट पे आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग पेशेंस रखो। जितना भी लेक्चर आ रहा है आप लोगों का वो काफी अच्छा होगा और आप लोग काफी कुछ सीखोगे। और ये मत सोचो कि सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मान लो फिजिक्स में 20 चैप्टर है, तो अगर वो सर 10 चैप्टर कवर करते हैं तो बाकी का 10 चैप्टर मैं कवर कर दूंगा, लेकिन आप लोगों का सिलेबस जो है सो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बारे में मत सोचो। इतना ही नहीं, मैथ्स का लेक्चर में ट्रिगोनोमेट्रिक जो है सो एक और मैम आ रही है, वो आप लोगों को पढ़ाएंगी। तो आप देख रहे होंगे कि चैनल पे कितने सारे टीचर्स आ रहे हैं, फिजिक्स के लिए अलग, ट्रिगोनोमेट्री के लिए अलग, इधर बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर्स के लिए अलग। मतलब अभी 4 से 5 टीचर्स आ रहे हैं चैनल पे, और ये सब इसलिए आ रहे हैं ताकि आप लोगों को टाइम से पहले जो है सो सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये लेक्चर नंबर आपका 3 है, चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 3। तो एक क्वेश्चन मैंने दिया था, क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन दिया था कि मान लो मैंने आपको दे दिया था कि ये 5 है, ये 4 है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये इक्वल टू आपका जो है सो मान लो यहाँ पे आपका 5 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 7 था, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, आप लोग देख लेना, ठीक है। यहाँ पे कंसेप्ट समझो, तो मैंने आपको बोला था कि एक्स का वैल्यू बताने के लिए और वाई का वैल्यू बताने के लिए, तो काफी लोगों ने डायरेक्ट क्या किया था, एक्स के जगह पे 6 और वाई के जगह पे 7, मतलब एक्स इक्वल टू 6 और वाई इक्वल टू 7 बताया था। तो देखो, मैं जो क्वेश्चन देता हूं ना, तो जरूरी नहीं है कि उसका आप आंसर सही करो या गलत करो, मैं कंसेप्ट चेक करता हूं कि आप लोग कितना समझ रहे हो। जितने भी लोगों ने ये आंसर दिया था इस टाइप का ये सोच करके, उन सभी का आंसर गलत है। एक तो रिप्लाई काफी कम आया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया कि इतना मेहनत से लेक्चर बना रहे और देखने वाले है ही नहीं, फिर भी मैं कंटिन्यूटी मेंटेन किया हुआ हूँ ये सोच करके कि अब लोग पीछे से आ रहे हैं देखते हुए। देखो, आप लोगों ने x का पोजीशन 6 देखा और y का पोजीशन 7 देखा, लेकिन ये गलत है, इसका आंसर जो है ना होगा ही नहीं, इसका आंसर होगा ही नहीं, बिकॉज यही गलत है। मैंने सिर्फ आपको चेक किया था। बोलोगे कैसे, देखो इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब दोनों जगह पे सेम ऑर्डर होना चाहिए। तो यहाँ पे चलो ऑर्डर सेम था, आप लोगों ने देखा कि ऑर्डर सेम था, लेकिन मैं अगर बोलूंगा कि ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो जी हाँ ये इक्वल मैट्रिक्स है। आप पोजीशन देखो, जहां पे 6 है वहीं पे 6 है, जहां पे 5 है वहीं पे 5 है, जहां पे 4 है वहीं पे 4 है, जहां पे 3 है वहीं पे 3 है। तो यहाँ तो अननोन है तो आप कुछ नहीं कह सकते हो, यहाँ अननोन है आप कुछ नहीं कह सकते हो, लेकिन ये दोनों तो आप कंपेयर कर सकते थे ना, ये दोनों आप कंपेयर कर सकते थे, 5 और 5 सही है, लेकिन ये 4 है और ये 3 है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स कैसे हुआ, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ। और जब ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं हुआ तो आप कैसे x के जगह पे 6 और y के जगह पे 7 कर सकते हो, फंडा समझने का कोशिश करना, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग पोजीशन तभी मैच करेंगे जब मैट्रिक्स इक्वल होगा, मैंने ये आपको फंसाने के लिए दिया था, ठीक है। चलो इसी टाइप का एक नया क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर से एग्जाम्पल देखो आप लोग, मैं आपको इस तरह से बोलता हूँ कि 5 3 2 x, इधर आपका 5 3 2 6, और मैं आपसे बोलूंगा कि x का वैल्यू बताओ, तो आप डायरेक्ट बोलोगे 6, क्यों, क्योंकि आप बाकी तीनों को देखोगे और बाकी तीनों सेम है, मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है, तो x इक्वल टू 6 आंसर हो जाएगा, ओके। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज मुझे बताओ कि मैं आपसे पूछूंगा कि a इक्वल टू जो है सो आपका 0000 है और b इक्वल टू जो है सो 000 है, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा? देखो ये भी नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी आपका नल मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स है। आप बोलोगे सर ये भी नल मैट्रिक्स है और ये भी नल मैट्रिक्स है तो दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि दोनों नल मैट्रिक्स है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? नल मैट्रिक्स है मैं भी मानता हूं, लेकिन ऑर्डर देखो ये 2x2 का है और ये आपका 3x1 का है, तो जब ऑर्डर सेम है ही नहीं तो इक्वल कैसे हो जाएगा? तो ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, आगे एक क्वेश्चन लगाओ आप लोग एग्जाम में, जिस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी बताने जा रहा हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपका आने का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो कोशिश करना अच्छे से देखने का। मान लो कि मैं यहाँ पे आपका दे दिया x माइनस वाई, यहाँ पे 2x + z, यहाँ पे आपका 2x - y, यहाँ पे आपका 3z + w और यहाँ पे दे दिया आपका -1, 5, 0 और 13 और मैंने आपको बोला फाइंड द वैल्यू एक्स इक्वल टू व्हाट, वाई इक्वल टू व्हाट, जेड इक्वल टू व्हाट, डब्ल्यू इक्वल टू व्हाट, और आपका गिवन होगा ये होना ही चाहिए कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। वैसे भी आप चेक कर सकते हो 2x2, 2x2 और ये अननोन है तो अननोन में तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, तो ये दोनों बराबर है। या आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये दोनों को बराबर होने के लिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू क्या होगा? बात वही है जो मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन में आपको यह दिया रहेगा कि दोनों का वैल्यू बराबर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, या क्वेश्चन में यह रहेगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू बोथ मैट्रिक्स विल बी इक्वल। समझने का कोशिश करो, दोनों लाइन का मीनिंग सेम ही है। तो इसमें आप क्या करोगे, आप एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन लिखोगे एक इक्वेशन, 2x + z = 5 लिखोगे दूसरा इक्वेशन, 2x - y = 0 लिखोगे तीसरा इक्वेशन और 3z + w लिखोगे 13, ये आपका चौथा इक्वेशन। अब आपके पास 4 अननोन है और 4 इक्वेशन है। ये भी एक कंसेप्ट है हमेशा याद रखना कि जितना अननोन होता है उतना इक्वेशन होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर 3 अननोन होगा और 2 इक्वेशन होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो ये याद रखना। क्या पता रेलवे है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जितना अननोन होता है उतना आपका इक्वेशन होना चाहिए। इसको आप लोग सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, मान लो मैं 1 और 3 को सॉल्व करता हूं, तो देखो ये है आपका 2x - y = 0 ये वाला, और ये है आपका x - y = -1। इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन चेंज करते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, x = 1 आ गया। अब इसको पुट करो, इसमें पुट करते हैं x - y = -1 है, x आपका 1 है, 1 - y = -1, तो y = 2 हो जाएगा, तो x और y आपका निकल गया, तो x = 1 y = 2। अब आपका इसमें पुट करो इक्वेशन 2 में क्या है, 2x + z = 5 है, इसमें आप x का वैल्यू पुट करो 2 × 1 + z = 5, तो z = आपका कितना आ गया, 3 आ गया, तो z = आपका 3 आ गया। अब इसमें आप चले जाओ 3z + w = 13 है, यहाँ पे पुट करो 3×9 + w = 13, तो w = आपका 4, तो 4। अब आप क्या करो, चेक कर सकते हो क्रॉस कनेक्शन, वैसे आपका आंसर यही होगा लेकिन आप क्रॉस कनेक्शन कर सकते हो, 1 - 2 करोगे तो ये आपका -1 हो जाएगा, 2x + z यानी 2 और + 3 ये 5 आ जाएगा, ठीक है, 2x - y यानी 2 - 2 ये आपका 0 आ जाएगा, और 3z + w 3z 3×9 + w = 4 13। देखो आप -1 है, 5 है, 0 है, 13 है, सेम हुआ ना। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहां जहां पे मैं इम्पोर्टेंट बोलूंगा ना उसको आप लोग भी इम्पोर्टेंट कर लेना और उस पर ज्यादा फोकस करना, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन देखो, ये ऑपरेशन क्या होता है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है उसी को बोलते हैं ऑपरेशन ऑन
मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का फुल फॉर्म है मैट्रिसेस। चलो यहां पे आप लोग लिखो पॉइंट नंबर वन में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स का हम लोग एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे सिर्फ ये समझने का कोशिश करना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स के केस में हम लोग सिंपल करते हैं, जैसे कि ए प्लस बी है, ये बी प्लस ए होगा। आप खुद सोचो चार प्लस पांच जो है वो पांच प्लस चार होगा, तो जी हाँ होगा। चार गुना पांच जो है सो पांच गुना चार होगा, तो जी हाँ होगा। चार माइनस पांच जो है सो पांच माइनस चार होगा, तो जी नहीं होगा, नहीं होगा। चार बट्टा पांच जो है सो पांच बट्टा चार होगा, तो जी नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या समझे कि एडिशन, एडिशन और मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ये जो होता है आपका कम्युलेटिव भी होता है और एसोसिएटिव भी होता है। कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्युलेटिव का मतलब होता है। तो आप समझो ये अगर फंडा आप समझ गए तो मैट्रिक्स का फंडा आप समझ जाओगे। मान लो आपका दिया हुआ है मैट्रिक्स 2 1 0 3। देखो ये जो मैं करवा रहा हूँ ना, ये सारा भी क्वेश्चन ही है, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन का लिस्ट आपको अलग से देंगे तो आपको मन में तसल्ली होगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सारा क्वेश्चन ही आप मैथ्स पढ़ रहे हो, ऐसे ही मैथ्स पढ़ा जाता है। बी है आपका 3 4 6 9। मैं बोलूंगा आपसे ए प्लस बी बताने के लिए, तो आपको क्या करना है, सिंपल सा फंडा मैं बता रहा हूं, पोजीशन देखना है और उसको जोड़ देना है। मतलब ये 2 + 3 हो जाएगा, ये 1 + 4 हो जाएगा, ये 0 + 6 हो जाएगा, ये 3 + 9 हो जाएगा। मतलब जैसे है वैसे ही हम लोग ऐड कर दिए हैं पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 3 2 5 4 1 5 6 और 9 3 12। उसी तरह से अगर बी प्लस ए करते आप, अगर बी प्लस ए करते आप तो करके देखो, ये 2 + 3 है, इसमें 3 + 2 हो जाता, इसमें 4 + 1 हो जाता, इसमें 6 + 0 हो जाता, इसमें 9 + 3 हो जाता, और इसको आप लोग करते 5 5 6 12। तो आप क्या देख रहे हो, ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम आया कि नहीं आया। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स से क्या समझे कि ये कम्युलेटिव है, कम्युलेटिव है, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से इसी तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एक नया एग्जांपल, ए इक्वल टू 3 2 5 6, बी इक्वल टू 2 1 5 6 3 4। अब मैं आपसे पूछूंगा ए प्लस बी बताने के लिए, तो आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे जी नहीं हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं ऐड कर सकते हैं, कैसे करोगे, 3 का 2 के साथ करोगे, 2 का 1 के साथ करोगे, ये 5 कहाँ गया। सेम फैमिली होना चाहिए, सेम ग्रुप होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए हमेशा। ये 2 × 2 है, ये आपका 2 × 3 है, आप कैसे ऐड कर दोगे, इसका कोई रिजल्ट होगा ही नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया होगा, चलो ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, आप लोग नोट करके लिख लो एक पॉइंट जो मैंने बताया आपको कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिशन, एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब इसका मतलब क्या होता है, वही चीज ए प्लस बी जो है आपका वो बी प्लस ए होता है, ठीक है। चलो पॉइंट नंबर 2 आप लोग नोटिस करके फिर से वही काम लिखो, फिर से सेम बात पॉइंट नंबर 2 करके कि मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। देखो आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको बस ये पता रखना है कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। तो एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी है, इस तरह से ब्रैकेट देखना ध्यान से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी कर दे रहा हूँ, तो ये जो आप देख रहे हो स्ट्रक्चर किस टाइप का मैंने बनाया, ये एसोसिएटिव का है, ये एसोसिएटिव का है। और ए प्लस बी जब दो का ही बात करते हैं बी प्लस ए, तो ये आपका हो जाता है कम्यूटेटिव का, कम्यूटेटिव का हो जाता है, ठीक है। तो ये समझने का कोशिश करो। अब आप सिंपल एग्जांपल्स देखो, 5 + 4 + 3 = 5 + 4 + 3, क्या कोई दिक्कत है, क्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सही है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूंगा 5 × 4 × 3, और इधर मैं आपसे बोलूंगा 5 × 4 और × 3, क्या कोई दिक्कत है, क्या
नहीं है, मतलब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन का केस में हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है ना, अगर ये सब दिक्कत करे तो आप लोग एलिमेंट्री मेथड यूज करो, इस तरह से कोई वैल्यू अपने मन में मानो और चेक करो, वो अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इधर भी सेटिस्फाई करेगा। आगे देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। मैं एग्जांपल दे देता हूँ तीन मैट्रिक्स लेकर के भी, ताकि कोई भी चीज न छूटे। देखो ए इक्वल टू 2 3 4 5, बी इक्वल टू आपका 4 3 2 1 और सी इक्वल टू आपका 1 2 4 1। आप कर लेना, आप ए प्लस बी करोगे तो आपका आ जाएगा 2 और 4 6, 3 और 3 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6 और सी है आपका ये है 1 2 4 1। तो आप ए प्लस बी और प्लस सी करोगे तो आपका आ जाएगा 6 और 1 7, 6 2 8, 6 4 10, 6 1 7, ये आया आपका। उसी तरह से आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करना है। तो आप लोग कर लेना, बी प्लस सी करोगे तो 4 1 5 और फिर 1 जोड़ोगे ए वाला तो 7। उसी तरह से 3 2 5 और फिर ये 3 8, फिर 2 4 6 और 4 10, फिर 1 1 2 और 5 7, तो सेम ही हो रहा है। तो ये सब समझ गए होगे। चलो आगे बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, हल्का सा, कुछ करना नहीं है। सेम चीज मैं बता रहा हूँ फिर से, इफ ए इज एन नल मैट्रिक्स, इफ ए इज अ नल मैट्रिक्स। अब नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से देखना, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या, सारा का सारा एलिमेंट जीरो होगा। तो इसमें क्या करते हैं, ए प्लस जीरो जो होता है वो जीरो प्लस ए होता है और ये ए होता है। अब आप ही बताओ, 5 प्लस 0 बराबर 0 प्लस 5 बराबर 5 होता है कि नहीं होता है। तो ये चीज अगर नहीं समझ में आए तो इस चीज से करना, ठीक है। 5 गुना 0 बराबर 0 गुना 5 बराबर 0 होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे हल्का सा चेंज आप देख रहे होगे, हल्का सा आप चेंज देख रहे होगे कि गुना में 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब आपके पास a इक्वल टू मैंने दे दिया 3 5 6 9 और b इक्वल टू मैंने दे दिया नल मैट्रिक्स, और नल मैट्रिक्स को हम लोग जनरली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका 0 0 0 0 और मैं आपसे बोलूंगा a प्लस 0 बताने के लिए। तो आप क्या करोगे, एक चीज नोटिस करना, मैं जो भी लिख रहा हूँ ऑर्डर सेम, ऑर्डर अगर सेम नहीं रहेगा तो आपका सारा चीज गलत हो जाएगा। तो दिमाग में सबसे पहला पॉइंट बैठा के रखना कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो 3 प्लस 0 आपका कितना 3, 5 प्लस 0 5, 6 प्लस 0 6 9 प्लस 0 9। उसी तरह से आप अगर 0 प्लस 1 का करोगे तो उसी तरह से आपका आएगा 0 प्लस 3 3, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 6 6, 0 प्लस 9 9। आप क्या देख रहे हो, सेम है, ये आपका ए आ गया, ये आपका ए आ गया, ठीक है। चलो ये आपको समझ में आ गया। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं लिख रहा हूँ आपका, ये इसको समझने का कोशिश करो कि अगर a इक्वल टू आपका 5 4 3 2 और नल मैट्रिक्स आपका 0 0 0 0 0, अब आप बताओ a प्लस 0 कितना होगा, ठीक है, 0 प्लस a कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कांट बी डिटरमाइंड, क्यों, क्योंकि गलत है, ये 2 गुना 2 है और ये 2 गुना 3 है, तो जब ऑर्डर सेम नहीं है तो कैसे करेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलो अब एक इम्पोर्टेंट बात पे आते हैं, इसको पॉइंट करके लिखो आप लोग, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है, जो दिया हुआ है उसका निगेटिव कर देंगे। 5 का निगेटिव क्या होगा, -5, 7 का क्या होगा, -7। उसी तरह से अगर a आपका दिया हुआ है 5 3 2 4, मैं आपसे पूछूंगा -a क्या होगा, तो आप क्या करोगे, माइनस लगा दोगे इस सारे में। तो -5 -3 -2 -4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका हो जाएगा आंसर, ये मैट्रिक्स है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो ये समझ गए होगे आप लोग, क्या किए, सिंपल माइनस लगा दिए। एक और एग्जांपल देखो, ज्यादा क्लियर होगा। मान लो आपको इस तरह से दिया हुआ है a इक्वल टू 3 -2 0 √2 7 -5, और मैं आपसे बोलूंगा माइनस ए बताने के लिए, आप क्या बताओगे, सिंपल ये -3 हो जाएगा, ये -2 है तो माइनस अंदर आएगा, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, ये 0 है तो 0 प्लस माइनस होता नहीं है, नॉर्मल 0,
ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका -7 हो जाएगा, ये -√2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -a। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे एक चीज और बताओ कि a और -a को अगर आप जोड़ोगे, a और -a को अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखो 3 और -3 तो ये 0, -2 और 2 0, 0 0 0 ये सारा आपका 0 आ जाएगा। एक चीज देखो, ये आपका 2×3 के ऑर्डर में था, ये आपका 2×3 के ऑर्डर में है, ये आपका 2×3 के ऑर्डर में है, इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो, ऑर्डर हमेशा सेम होना चाहिए। तो नोट करके क्या लिखोगे आप लोग कि a प्लस माइनस a अगर पूछेगा तो ये आपका 0 होगा। अब ये बोलोगे कि आप 0 होगा, देखो ये 0 नहीं है, याद रखना, काफी लोग फंसते हैं, ये 0 नहीं है, ये है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसका, किस ऑर्डर का, जिस ऑर्डर में ये था उस ऑर्डर का ये नल मैट्रिक्स है। मतलब 2×3 ऑर्डर का था ये, 2×3 ऑर्डर का था ये, तो ये भी 2×3 ऑर्डर का है, तो हम लोग इसको 0 बोल देते हैं, लेकिन ये 0 नहीं है, ये क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे इसको आप लोग नोट करके लिखो कि ये 0 नहीं है, ये नल मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब है आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्या है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन। देखो कितना ज्यादा ये सिंपल है, ये स्केलर क्या होता है, सिंपल सा बात है, ये 5 है और मैं क्या किया, 2×5 कर दिया तो ये 10 हो गया, 3×5 कर दिया तो 15 हो गया, 4×5 कर दिया तो 20 हो गया। तो ये जो एक कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये आपका स्केलर का काम करेगा। जैसे कि मान लो आपका ए जो है सो 3, 4, 5, 2 है और मैं आपको बोल दिया कि के ए निकालने के लिए, के क्या है, स्केलर है, स्केलर। तो आप क्या करोगे, के से सब में गुना करोगे, मतलब k × 3, k × 4, k × 5, k × 2। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, डायरेक्ट मैं आपसे बोलूंगा 3a, यहाँ पे 3 क्या है, एक स्केलर है, तो 3a करने के लिए क्या करोगे, सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, हर एक एलिमेंट में। देखो कोई भी काम अगर आप करते हो ना, तो मैट्रिक्स के अंदर जितना भी एलिमेंट है सबका बराबर का हिस्सा है, सब में करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई सब में करोगे, तो 3×3 9, 3×4 3×6 12, 3×5 15, 3×2 6, तो ये आपका हो गया 3a। तो ये आप समझ गए। उसी तरह से अगर आपसे मैं बोलूंगा कि इधर से देखो 5 है और मैं आपको बोलूंगा कि 3×2 करने के लिए × 5, तो ये आपका कितना हो गया, 3×2 6×5 30, और मैं आपसे बोलूंगा 3×2 × 5 करने के लिए अलग अलग अलग, देखो ये ब्रैकेट में है तो भी हो गया 30, ये आप समझे। उसी तरह से मैं आपको बोलूंगा कि 3+5×5, तो ये कितना हो गया, तो 5×3 8×5 40, और मैं आपसे बोलूंगा कि अलग अलग कर देते हैं, मतलब क्या 3×5+5×5, तो ये कितना हो गया, तो 5×5 25 और 5×3 15 40। तो देख रहे हो ना, कुछ है नहीं, हम लोग नॉर्मल चेंज कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे, कुछ अलग कंसेप्ट है ही नहीं, जो जोड़ घटाओ आप लोग पढ़ते हो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो आगे एक एग्जांपल देख लो तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। हमेशा एक चीज याद रखना, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ए अगर आपका 3, 2, 1, 5 है तो ये किस ऑर्डर में है, ये आपका 2×2, तो मैं आपसे पूछूंगा के ए बताने के लिए ये किस ऑर्डर में होगा, तो के ए किस ऑर्डर में होगा, देखो आप 3K, 2K, 1K, 5K, ये किस ऑर्डर में है, ये भी तो 2×2 में है ना। तो क्या समझिए कि अगर ए जो है, ए का ऑर्डर अगर m×n है तो के ए का ऑर्डर भी m×n होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ये सबको याद मत करना, ये सबको याद मत करना, एलिमेंट्री मेथड यूज करना, हमेशा मन में कुछ भी लिख लेना, a=3, 4, 5, 6 गुना कर देना, 5 से गुना कर देना, n से, m से, a से, b से, जिससे आपको मन करे, और ऑर्डर काउंट कर लेना, देख लेना। ठीक है, याद नहीं करना, तो ये आप समझ गए। उसी तरह से अगर मान लो इस तरह से आपका रहेगा k1+k2a, तो ये आपका क्या हो जाएगा, k1a+k2a, यही हो जाएगा। अगर आपको चेक करना है तो आप लोग चेक करके देख लो। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, a=1 3
फोर सिक्स, ठीक है, आपको निकालना है दो बार, तो पांच प्लस छ ए, ये आपको करना है। आप इसको करोगे तो कैसे करोगे, आप इसको करोगे तो देखो मैं इस इक्वेशन के हिसाब से बैठाता हूं, तो पांच ए प्लस छ ए ये दोनों बराबर होना चाहिए। आप करके देखो, छ पांच ग्यारह है ना, तो ग्यारह से करना है इसमें, तो ग्यारह, ग्यारह तीन तैतीस, ग्यारह चौक चौवालीस, ग्यारह छक छियासठ, और इसमें आप करो पांच ए करो, तो पांच, पांच तीन पंद्रह, पांच चौका बीस और पांच छका तीस, प्लस छ से करना है, छ का छ, छ त्रिक अठारह, छ छा के छत्तीस, छ चौका चौबीस। अब आप इसको और इसको जोड़ो तो ये आपको हो जाएगा ग्यारह, ये आपका हो जाएगा तैतीस, ये आपका हो जाएगा चौवालीस और ये आपका हो जाएगा छियासठ। क्या ये और ये बराबर नहीं है, है तो सिंपल सा बात है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन में ऐसा कंसेप्ट यूज होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पे दो तीन क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स में आगे बात करेंगे। जैसे जैसे बता रहे बस वैसे वैसे आप लोग फॉलो करते चले जाओ, सिलेबस मत देखो, सिलेबस देखने से अच्छा होगा ये देखो कि 35% ही तो लाना है, जितना बताएंगे उतना करो अच्छे से, आराम से आप लोग स्कोर करोगे, सेफ जोन में रहोगे। और पार्ट ए बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है और इंजीनियरिंग ड्राइंग, उस पे जितना मेहनत करना है आप मेहनत करो, क्योंकि मेरिट में आप वहीं से आओगे। इसमें तो सिर्फ 35% लाके पास करना है, वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को अगर आप लोग सही से लेक्चर फॉलो करोगे तो, ठीक है। मेरिट बनने के लिए वहां से करो, और यही रीजन है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर देख रहे होंगे आप लोग, डेली आ रहा है, एक एक लेक्चर डेली आ रहा है काफी ज्यादा, और काफी फोकस भी उस पर किया जा रहा है, और कंटेंट क्वालिटी भी काफी ज्यादा जबरदस्त है, तो उसको आप लोग देखो, ठीक है। चलो मन से एग्जाम का तैयारी करो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।